So guys, today we will be starting a new topic of the same module, beta and gamma functions. Beta and gamma functions are basically the tools for evaluating some special kind of definite integrations which we cannot solve in the previous classes. हमसे 12th क्लास में बहुत सारे डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होते थे, तो बीटा और गामा फंक्शन की हेल्प से आप उन इंटीग्रेशंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू दैट दीज आर मैथमेटिकल टूल्स ओनली. इट्स नॉट मैंडेटरी दैट एवरी डेफिनेट इंटीग्रल कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग बीटा एंड गामा फंक्शंस. Some definite integrations cannot be solved by using these tools, but most of the definite integrations can be solved by use these mathematical tools, beta and gamma functions. Okay, तो हर एक integration beta और gamma function से solve हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. जितने integrations, variety of integration हम solve कर सकते हैं उतना हम इससे solve करने की कोशिश करेंगे. मतलब यह है कि अगर मान लीजिए हमारे पास 100 डेफिनेट इंटीग्रेशंस हैं जो हम 12th क्लास में सॉल्व नहीं कर पाए, तो उसमें से 60 डेफिनेट इंटीग्रेशंस को अब आप बीटा गामा फंक्शन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, और 40 इंटीग्रेशंस जो हैं वो किसी और मेथड से सॉल्व होंगे, वो हम एडवांस क्लासेस में पढ़ते हैं, हायर क्लासेस में पढ़ते हैं. ओके, सो दीज आर द मैथमेटिकल टूल्स ओनली. इन्हें ये जो मैथमेटिकल टूल्स हैं बीटा और गामा फंक्शंस, इनका कोई ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन नहीं है. देर इज़ नो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बिकॉज दीज आर द टूल्स ओनली. ये सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के काम आते हैं, उन्हें इजी बनाने के काम आते हैं, दैट्स इट. ओके, कुछ ऐसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स होते हैं जिनकी लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी होती है, या कुछ ऐसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स होते हैं जिनमें फंक्शन इम्प्रॉपर होता है एट द पॉइंट ऑफ लिमिट. तो वो इंटीग्रेशंस हमसे 12th क्लास में जितने भी हमने मेथड्स यूज़ किए हैं उनसे सॉल्व नहीं होते, क्योंकि इन डेफिनेट इंटीग्रेशंस का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वाला पार्ट तो हमसे सॉल्व हो जाता है जो हमने क्लास 12th में किया है, बट जब लिमिट पुट करने की बारी आती है तो वो इम्प्रॉपर बन जाता है. इम्प्रॉपर का मतलब वो इनफाइनाइट बन जाता है या नॉन डिटरमाइंड फॉर्म बन जाता है. इसलिए इन डेफिनेट इंटीग्रेशंस को, जिसे आप इम्प्रॉपर इंटीग्रेशंस भी बोल सकते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम बीटा और गामा फंक्शंस यूज़ करते हैं. दिस टॉपिक इज़ वेरी 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 सिंपल. इट्स टोटली बेस्ड ऑन फार्मूला एंड प्रॉपर्टीज एंड द प्रैक्टिस ओनली, दैट्स इट. देर इज़ नो स्पेशल कंसेप्ट अबाउट इट. गामा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी और एक फार्मूला मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 साइन रेस टू द पावर एम एक्स कॉस रेस टू द पावर एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू गामा एम प्लस 1 बाई 2 गामा एन प्लस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ गामा एम प्लस एन प्लस 2 बाई 2. दिस फार्मूला वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड we have done some questions by using this formula as well. No doubt इस formula का हम derivation इस chapter में करेंगे, और ये chapter काफ़ी easy है. इस chapter की खास जो questions का level है वो इसके derivations के accordingly बनेगा. मतलब मैं आपको जो भी derivation करवाऊँगा वो आपको करना ही करना है for examination point of view. ठीक है, so let's start this chapter. आप अपने पास अपना पेन और पेपर लेके रखिए, पेन और कॉपी लेके रखिए, बिकॉज इसमें थोड़े से अजीब फॉर्मूले आपको लग सकते हैं, तो आपको पेन डाउन करने की ज़रूरत पड़ सकती है. सो ऑलवेज कीप अ पेन एंड पेपर विथ योर सेल्फ. आदर्श, कैन यू सी द स्लाइड? यस सर. सो द टॉपिक नेम इज बीटा एंड गामा फंक्शंस.
It's just introduction, just let's read it. In this chapter, we shall discuss some special functions like beta and gamma functions, along with their applications in evaluating certain definite integrals. We start with beta functions. देखिए बीटा फंक्शन जो होता है उसे बीटा एम एन से शो किया जाता है. दिस इज़ द नोटेशन ऑफ बीटा फंक्शन, बीटा एम कॉमा एन, विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 एक्स रेस टू द पावर एम माइनस 1, 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स. तो आप तुरंत कॉपी में नोट कर लीजिए इसको, क्योंकि जब यूज़ आएगा तो पीछे वाली स्लाइड में वापस नहीं लेके आऊँगा. मैं जो जो बोलता जा रहा हूँ आप कॉपी में नोट करते जाइए. सो दिस इज बीटा फंक्शन, बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 एक्स रेस टू द पावर एम माइनस 1, 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स. दिस इज कॉल्ड बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड एक्चुअली, क्योंकि देर आर टू टाइप्स ऑफ बीटा फंक्शंस, फर्स्ट काइंड एंड सेकेंड काइंड. होल एंड सोल फर्स्ट काइंड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सेकेंड काइंड इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, बट वी विल डिस्कस द सेकेंड काइंड एज वेल. हियर एम एंड एन आर कॉल्ड पैरामीटर एंड पैरामीटर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव. कीप इन माइंड एम ग्रेटर देन जीरो एंड एन ग्रेटर देन जीरो. ओके, दीज एम एंड एन आर कॉल्ड पैरामीटर्स. So this is the formula of beta function of first kind which you have to remember directly. Now this is beta function of second kind. This is beta function of second kind. ये देखिए लिखा हुआ भी है और इसका प्रूफ हम फर्स्ट काइंड से इजीली कर सकते हैं. आपको ये बीटा फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड का फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये आपसे पूछा जाता है कि शो डैट बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी वाई रेस टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वाई रेस टू द पावर एम प्लस एन डी वाई विच इज सेकेंड काइंड बीटा फंक्शन, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा. लेकिन हम क्वेश्चंस में ये यूज़ नहीं करेंगे, तो यू नॉट नीड नॉट टू लर्न दिस फॉर्मूला. तो देखिए प्रूव कैसे करेंगे. फर्स्ट काइंड से हम इसको प्रूव करेंगे. तो फर्स्ट काइंड का फॉर्मूला होता है बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 एक्स रेस टू द पावर एम माइनस 1, 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर एम माइनस 1 डी एक्स. ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा. दिस इज फर्स्ट काइंड. इस फर्स्ट काइंड वाले इंटीग्रेशन में आप एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई रिप्लेस कर दीजिए. एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई रिप्लेस कीजिए, तो डी एक्स का वैल्यू हो गया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई होल स्क्वायर डी वाई. और लिमिट भी चेंज करेंगे तो लिमिट चेंज करते हैं. इंटीग्रेशन इक्वेशन 1 जो है उसमें एक्स इज इक्वल टू 0 लिमिट को अगर हम पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 0 अगर पुट करते हैं तो आप देख सकते हैं y का वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा है, क्योंकि 1 प्लस वाई इधर आ जाएगा और 0 इधर आ जाएगा, तो 1 अपॉन 0 इज इन्फिनिटी. सो y इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया. सो व्हेन यू आर चेंजिंग द लिमिट एंड पुट x इज इक्वल टू 0 इन द सब्स्टिट्यूशन यू विल गेट y इज इक्वल टू इन्फिनिटी. तो ये y इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया. और अपर लिमिट को अगर चेंज करते हैं x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू 1 पुट किया, 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल गया वाई इज इक्वल टू 0. तो अपर लिमिट बन गया 0. तो जब आप x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई सब्सटीट्यूट करते हैं तो लिमिट में चेंज होता है इन्फिनिटी टू 0, जो पहले 0 टू 1 थी. ठीक है, रिप्लेस कर दीजिए. x का वैल्यू आपने एज्यूम किया है 1 अपॉन 1 प्लस वाई, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई रेस टू द पावर एम माइनस 1
वन माइनस एक्स दैट इज वन माइनस वन अपॉन वन प्लस वाई, और ये डी एक्स का वैल्यू माइनस वन अपॉन वन प्लस वाई होल स्क्वायर होगा। ओके, ये जो नेगेटिव साइन है इसको कॉम्पनसेट करने के लिए हम इस लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं, अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना के इस साइन को पॉजिटिव बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से ये साइन नेगेटिव हटा दीजिए और इस लिमिट को इंटरचेंज करके जीरो टू इन्फिनिटी बना दीजिए, और ये जो तीनों फंक्शन है इनको क्लब कर दीजिए सिंपली। तो ऊपर तो बन जाएगा, न्यूमरेटर में बन जाएगा वाई रेस टू द पावर एन माइनस वन, आप देख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में बन जाएगा वन प्लस वाई रेस टू द पावर एम माइनस वन, तो ऊपर न्यूमरेटर में हो जाएगा वाई रेस टू द पावर एन माइनस वन, वाई रेस टू द पावर एन माइनस वन, और नीचे हो जाएगा वन प्लस वाई रेस टू द पावर एन माइनस वन इंटू वन प्लस वाई रेस टू द पावर एन माइनस वन इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर, तो इन तीनों को क्लब करके हो जाएगा एन प्लस वाई रेस टू द पावर। सो दिस इज बीटा फंक्शन ऑफ सेकेंड काइंड, वी जस्ट प्रूव बाई यूजिंग बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। एनी क्वेश्चन, यहाँ तक कोई डाउट है सर? वो जीरो वाला लिमिट एक बार बता दीजिएगा ना। मतलब जीरो वाला लिमिट मतलब सर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी टू जीरो है ना। अच्छा, लिमिट चेंज कैसे हुआ? हाँ हाँ, इन्फिनिटी वाला समझा, जीरो। हाँ हाँ, x is equal to 1 upon 1 plus y assume किया है, तो x is equal to 0 आप पुट कीजिए, तो x का वैल्यू आप जीरो पुट करेंगे तो जीरो इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस वाई, पोजिशन इंटरचेंज कर दीजिए, वन प्लस वाई इज इक्वल टू वन अपॉन जीरो, वन अपॉन जीरो का मतलब होता है इन्फिनेटी, तो y इज इक्वल टू इन्फिनेटी माइनस वन, दैट इज इन्फिनेटी। नाउ इट्स क्लियर? Yes, sir. So, this is the derivation of beta function of second kind. The formula is not important at all. Beta function of first kind ka formula aapko filhal learn karna hai. Okay. I think we should move on. There are certain properties of beta function. The properties are very, very important, and derivations are important as well. First property, symmetric property. First property is symmetric property. मतलब बीटा एम एन बोले या बीटा एन एम बोले एक ही बात है। दिस बीटा फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट द पैरामीटर्स एम एन एन। अच्छा, जब भी हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये प्रॉपर्टी दोनों बीटा फंक्शन में लागू होती है, ध्यान रखना, क्योंकि हम यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। हम मैंने यहाँ कोई ऐसा मेंशन नहीं किया है कि दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल टू फर्स्ट काइंड ओनली या दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल टू सेकेंड काइंड ओनली। ओके, सो दिस प्रॉपर्टीज आर एप्लीकेबल फॉर बोथ दी फॉर बोथ बीटा फर्स्ट बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड एंड सेकेंड काइंड। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम। इसका प्रूफ देखिए, अदर्स कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर। ओके, तो फर्स्ट काइंड का फॉर्मूला लिखा, बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन एक्स रेस टू द पावर एम माइनस वन, वन माइनस एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। इसमें आप एक्स की जगह वन माइनस वाई रिप्लेस कीजिए, पुट एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वाई, तो x का dx हो गया और 1 माइनस y का dy हो गया। अगर आप रिप्लेस कर रहे हैं तो लिमिट भी चेंज करेंगे, लिमिट चेंज करते हैं। अगर आप x इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं यहाँ पे, तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा 1, और अगर x का वैल्यू 1 पुट करते हैं यहाँ पे, तो y का वैल्यू मिल जाएगा 0, तो लिमिट बन जाएगी 1 टू 0।
एक्स की जगह 1 माइनस वाई पुट कर दिया तो 1 माइनस वाई रेस टू द पावर एम माइनस 1, एक्स की जगह 1 माइनस वाई पुट कर दिया तो 1 माइनस ऑफ 1 माइनस वाई डेट इज वाई ओनली वाई रेस टू द पावर एम माइनस 1, और डी एक्स की जगह हो गया माइनस डी वाई, तो ये माइनस साइन यहाँ बाहर लिख दिया हमने माइनस डी वाई। अब इस माइनस साइन को कॉम्पनसेट करने के लिए हम लिमिट को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो लिमिट 1 to 0 जो थी वो 0 to 1 हो जाएगी और आपका बन जाएगा वाई रेस टू द पावर एन माइनस 1 1 माइनस वाई रेस टू द पावर एम माइनस 1 डी वाई। आप देख सकते हैं बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड वाले फॉर्मूले से अगर इसे कंपेयर करें तो ये क्या बनेगा, बीटा एन एम बनेगा या नहीं बनेगा? इज नॉट सो? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन का तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी कि अंदर वेरिएबल कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप इसको कंपेयर कीजिए, ये बीटा एम एन का फॉर्मूला है और इसको अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पे एम माइनस 1 है तो यहाँ एन माइनस 1 है, और यहाँ एन माइनस 1 है तो यहाँ एम माइनस 1 है, इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला हो गया, बीटा एम एन। तो इसका मतलब बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एन, हेंस टू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। एनी डाउट सर? ये x इक्वल्स टू 1 माइनस वाई किसी है सर? कैसे है यानी एज्यूम क्या है बेटा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन में एज्यूम तो कर ही सकते हैं। हाँ हाँ बस ठीक है ना, किसी भी इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं या कुछ करते हैं तो सब्सटीट्यूशन तो कर ही सकते हैं। हाँ हाँ, अभी पिछले वाला जो डेरिवेशन था उसमें भी सब्सटीट्यूट किया था ना, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस y, किया था नहीं किया था? किया था सर। तो वहां तो नहीं पूछा आपने? हाँ चलिए, एनी अदर डाउट इन दिस डेरिवेशन इन दिस प्रॉपर्टी? ओके नो सर। तो आप अपने पेन पेपर से, अभी मैंने आपको फर्स्ट तो लिखवाया था बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड का फॉर्मूला, वो लिख लिया होगा आपने। अब आप लिख लीजिए, ऐसे रफली लिख लीजिए, ऐसे सिस्टमेटिक तो आपके ये नोट्स हैं, प्रॉपर्टी लिख लीजिए बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एन, ये अपनी कॉपी में लिख लीजिए। सेकेंड प्रॉपर्टी, ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीटा फंक्शन, मतलब बीटा एन एम एन जो होता है, मतलब बीटा फंक्शन जो होता है उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन भी होता है। तो आप अपनी कॉपी में ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए जिसको मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, अभी डेरिवेशन तो मैं करवा दूंगा। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीटा फंक्शन, प्लीज नोट इट डाउन। बीटा एम एन इज इक्वल टू 2 times इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 साइन रेस टू द पावर 2m-1θ कॉस रेस टू द पावर 2n-1θ डी थीटा। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीटा फंक्शन। Everybody has noted down? Yes, sir. Good. Proof देखते हैं। Proof करने का स्टाइल वही पुराना वाला है। सबसे पहले बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड का फॉर्मूला लिया हमने। No doubt इसमें कोई ना कोई रिप्लेसमेंट करेंगे। Let x is equal to sine square theta. x is equal to sine square theta आपको अज्यूम करना है। तो dx का वैल्यू हो गया 2 sin theta cos theta d theta। लिमिट में चेंज करते हैं, व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू 0 हियर यू विल गेट theta इज इक्वल टू 0, व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू 1 हियर यू विल गेट theta इज इक्वल टू π/2, बिकॉज वी ऑलवेज टेक द प्रिंसिपल वैल्यूज, वी ऑलवेज टेक द वैल्यूज विच लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो लिमिट चेंज हो गई 0 to π/2, लिमिट चेंज हो गई 0 to π/2। अब आप सब्सटीट्यूशन कर दीजिए, x का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, ये देखिए x का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया,
वन माइनस एक्स मतलब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर एन माइनस वन, और dx का वैल्यू टू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा डी। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन रेज टू द पावर टू एम माइनस टू थीटा कॉस रेज टू द पावर टू एम माइनस टू थीटा, और ये साइन थीटा भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और कॉस थीटा भी मल्टीप्लाई कर लीजिए साथ में, और इस टू को बाहर निकाल दीजिए, तो ये टू कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू, साइन रेज टू द पावर टू एम माइनस वन थीटा कॉस रेज टू द पावर टू एम माइनस वन थीटा, ये कॉस भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसने एक स्टेप और बढ़ा दिया, इस कॉस को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टू एन माइनस वन थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया बीटा एम एन इज इक्वल टू टू टाइम जीरो टू पाई बाई टू साइन टू एम माइनस वन थीटा कॉस टू एम माइनस वन थीटा। सो दिस फॉर्मूला यू शुड लर्न एज वेल। एनी डाउट इन दिस प्रॉपर्टी? नो सर, नो सर। द चैप्टर इज क्वाइट सिंपल, बस आप जो जो मैं बोल रहा हूँ वो नोट डाउन करते जाइएगा। नाउ दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शंस एंड वी डिस्कस द फंडामेंटल बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड एंड सेकेंड काइंड। ठीक है, क्वेश्चन बाद में करेंगे क्योंकि क्वेश्चन दोनों को रिलेट करते हैं, गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन दोनों के कोलैबोरेशन से काम चलता है, इसलिए अब पहले हम गामा फंक्शन पढ़ेंगे। सो गामा फंक्शंस, ये भी एक टूल है। गामा फंक्शन को गामा एन इस तरह से डिनोट किया जाता है, ये गामा एन है और फंडामेंटल फॉर्मूला है गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। ये नोट डाउन कर लीजिए, दिस इज कॉल्ड गामा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। एन ग्रेटर देन जीरो होगा और इस एन को हम बोलते हैं पैरामीटर। जैसे बीटा फंक्शन में एम और एन पैरामीटर्स थे, वैसे यहाँ पे एन पैरामीटर है। सो दिस इज गामा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। तो ये फॉर्मूला आपको याद भी होना चाहिए और आई थिंक आपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। नाउ प्रॉपर्टी, यहाँ पर भी पैरामीटर दो सकते हैं क्या? नहीं, इसमें पैरामीटर एक ही होता है। क्यों सर? यार बेटा क्यों वाली क्या बात हुई, मैंने क्या बोला, ये टूल्स हैं। गामा फंक्शन बनाया गया है, वो बीटा फंक्शन बनाया गया है। ठीक है, यस सर। प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शंस, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस की थी, गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ गामा एन। याद है ना ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी? यस सर। और इट इज ऑलवेज इक्वल टू फैक्टोरियल एन, राइट? तो इस प्रॉपर्टी को आप लोग लिख लीजिए अपनी कॉपी में, इसका प्रूफ अभी देख लेते हैं। गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ गामा एन, यानी गामा के अंदर जो भी क्वांटिटी होती है उससे एक कम बाहर निकाल के और उसी गामा से मल्टीप्लाई किया जाता है। सो गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ गामा एन, और यू कैन से इट्स ए फैक्टोरियल एन। चलिए प्रूफ देखते हैं। गामा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, अभी आपने फॉर्मूला लिखा होगा कॉपी में, उसी को लेते हैं। जैसे बीटा के जितने भी प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले हैं वो बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड से ही प्रूफ किए जाते हैं। आपने देखा बीटा फंक्शन ऑफ सेकेंड काइंड का प्रूफ हमने बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड से किया, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का प्रूफ हमने फर्स्ट काइंड से किया, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन का प्रूफ हमने फर्स्ट काइंड से किया। इसी तरीके से यहाँ पे जितने भी प्रूफ्स होते हैं वो गामा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड से किए जाते हैं।
सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ गामा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, अभी बताया था मैंने आपको। एन की जगह अगर एन प्लस वन पुट कर दें तो गामा एन प्लस वन का वैल्यू क्या होगा, दोनों तरफ एन की जगह एन प्लस वन पुट कर दीजिए, गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, एक्स रेस टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन, दैट इज एन ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, एक्स रेस टू द पावर एन डी एक्स। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एज यूजुअल एक्स रेस टू द पावर एन को हम फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करते हैं और ई रेस टू द पावर माइनस एक्स को हम सेकेंड फंक्शन एज्यूम करते हैं बाय द कंसेप्ट ऑफ आई एल ए टी ई। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स रेस टू द पावर एन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, तो देखिए ये माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स और लिमिट है जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज एन एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर आई एल ए टी ई मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इंटीग्रेशन को जब सॉल्व करते हैं तो ये जो सेकंड वाला टर्म होता है इसमें अलग अलग इंटीग्रेशन साइन नहीं लगाया जाता है, ओवरऑल यहाँ पे एक इंटीग्रेशन साइन लगता है, एक ही लिमिट काम में ली जाती है, दो लिमिट नहीं काम में ली जाती। मतलब आप ऐसे मत करना गलती से, तो जीरो टू इन्फिनिटी ये ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू द पावर एन मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड विथ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और आपने अंदर यहां भी लिमिट लगा दी। ऐसा काम मत करना, ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात। इस सेकेंड वाले टर्म में जो लिमिट लगती है वो ओवरऑल एक ही लगती है, ये नहीं लगेगी, ध्यान रखना। वैसे सबको पता होगा, मुझे पता है 12th क्लास में आप लोगों ने काफी क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन फिर भी बता दूं मैं। ठीक है गणपत? यस सर। ओके फाइन। तो अच्छा, अब लिमिट पुट करते हैं। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट टर्म की लिमिट जब आप पुट करेंगे तो इन्फिनिटी जब आप यहाँ डालेंगे ई रेस टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है? जीरो। ई रेस टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है? जीरो, क्योंकि ई रेस टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज नथिंग बट वन अपॉन ई रेस टू द पावर इन्फिनिटी, और दैट इज वन अपॉन ई रेस टू द पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, दैट इज वन अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो। तो कीप इन माइंड ई रेस टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज ऑलवेज जीरो। तो जब आप इन्फिनिटी लिमिट पुट करेंगे तो ये जीरो हो गया, माइनस लोअर लिमिट जब आप जीरो पुट करेंगे तो इसके कारण जीरो हो जाएगा, जीरो रेस टू द पावर है, तो ये फर्स्ट टर्म जीरो होगा। सेकेंड टर्म पे आइए, ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन मिलके पॉजिटिव साइन हो गया। इस कांस्टेंट एन को बाहर निकाल दीजिए, ये कांस्टेंट एन बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स, ये बच गया। और ये जो है इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स, ये क्या है? गामा एन है, ये देखिए, बाय द फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ द फंक्शन। तो इसकी जगह हमने गामा एन पुट कर दिया, तो प्रूफ हो गया गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा एन। अरे डाउट? नो सर। नो सर। ये वाला प्रूफ इम्पॉर्टेंट है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, थोड़ा बड़ा है, इसको समझाने में टाइम लगेगा, ये मुझे याद दिलाना, ये वाला प्रूफ बाद में करवाऊंगा, कल करवाऊंगा। मैंने आपको बताया था ना, यूज़ किया था हमने गामा वन बाई टू का वैल्यू अंडर रूट पाई होता है, यस सर, इसका प्रूफ मैं आपको कल बताऊँगा, और ये प्रूफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ सर,
वाले पेपर में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है ना, मतलब ये टॉपिक तुमने नहीं, ये तो वैसे हाँ मैडम ये तो आगे की पढ़ाई करवा रहा हूँ, क्योंकि मिड टर्म तो 21 तारीख तक, उससे पहले पढ़ाई थोड़ी छोड़ देंगे। बाकी मैं आपको डेली क्लास में बोलता हूँ, कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट है तो पूछिए, डाउट्स पहले मैं सॉल्व कर दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप ऐसा मत समझिए कि ये क्लास हो रही है तो क्लास ही हो रही है। अगर आप डाउट्स पूछेंगे तो पहले मैं डाउट सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ओके, सो दिस प्रूफ वी विल इवेल्युएट टुमारो, बिकॉज दिस प्रूफ इज़ वेरी लेंथी। ओके, इससे पहले थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं, गामा फंक्शन ऑफ सेकेंड काइंड। जैसे बीटा फंक्शन ऑफ सेकेंड काइंड होता है, वैसे ही गामा फंक्शन ऑफ सेकेंड काइंड होता है, और उसका फॉर्मूला होता है ये, गामा एन अपॉन सी रेस टू द पावर एन और ए रेस टू द पावर एन इज इक्वल टू जीरो इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस सी एक्स एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। फर्स्ट काइंड वाले फॉर्मूले में और सेकेंड काइंड वाले में डिफरेंस बस इतना सही है कि यहाँ पे ई रेस टू द पावर माइनस सी एक्स है, वहाँ पे ई रेस टू द पावर माइनस एक्स होता है, बस वहाँ लेफ्ट साइड में गामा एन होता है, यहाँ लेफ्ट साइड में गामा एन अपॉन सी रेस टू द पावर एन होता है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, जस्ट नोट इट डाउन इन द नोटबुक। चलिए, ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, इसका प्रूफ देखते हैं, वही हमारा पुराना स्टाइल, फर्स्ट काइंड से इसको प्रूफ करेंगे। ये देखिए, ये हमारा गामा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड होता है, गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एक्स एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। इस इंटीग्रेशन में हम सब्सटीट्यूट करते हैं एक्स इज इक्वल टू सी यू, जो कि यहाँ से पता लग रहा है। ये देखिए, एक्स इज इक्वल टू सी एक्स, जो पहले वहाँ एक्स था वो यहाँ सी एक्स हो गया, इसलिए हमने एक्स इज इक्वल टू सी यू सब्सटीट्यूट किया, या सी टी सब्सटीट्यूट किया, एक ही बात है। तो एक्स इज इक्वल टू सी यू, तो डी एक्स इज इक्वल टू सी डी यू। लिमिट चेंज करते हैं, एक्स इज इक्वल टू जीरो अगर आप पुट करेंगे यहाँ पे, तो यू का वैल्यू जीरो ही आएगा। एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करते हैं आप यहाँ पे, तो यू का वैल्यू इन्फिनिटी ही आएगा। तो देर इज नो चेंज इन लिमिट्स, इट विल बी सेम। बाकी रिप्लेसमेंट कीजिए, गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर एक्स की जगह ये सी यू कर दिया, इस एक्स की जगह ये सी यू कर दिया, और डी एक्स की जगह सी डी यू कर दिया। ये जो सी यू रेस टू द पावर एन माइनस वन है, इसमें से सी रेस टू द पावर एन माइनस वन बाहर रखिए, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन यू के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो यू के अलावा जितना भी होगा वो सब कॉन्स्टेंट होगा। तो यहाँ से सी रेस्ट टू द पावर एन माइनस वन आ रहा है और यहाँ से ये सी आ रहा है, तो दोनों क्लब करके सी रेस्ट टू द पावर एन हो गए, सी रेस्ट टू द पावर एन को बाहर कर दिया। इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस्ट टू द पावर माइनस सी यू, और यहाँ से बचेगा यू रेस्ट टू द पावर एन माइनस वन डी यू। इस सी रेस टू द पावर एन को आप लेफ्ट साइड में ले जाइए, तो गामा एन अपॉन सी रेस टू द पावर एन इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर इन्फिनिटी, सॉरी इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस सी एक्स एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। हेंस मैंने यू को एक्स से रिप्लेस कर दिया, आपको पता ही है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। Any doubt in this proof? No, sir. Okay. So this is called improved form of gamma function or gamma function of second kind. Now relation between beta and gamma functions. ये भी थोड़ा प्रूफ लेंथी है, इसको भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इसका प्रूफ वैसे भी प्रीवियस जो गामा वन बाई टू वाला प्रूफ है उससे रिलेटेड है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये वाला प्रूफ तभी होगा जब ये प्रीवियस प्रूफ होगा, इसको भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।
ये फॉर्मूला एक डायरेक्ट यूज करेंगे, इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। गामा एन इंटू गामा वन माइनस एन इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। इसका कोई प्रूफ नहीं है, इस फॉर्मूले को हम क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे, गामा यूज करेंगे। गामा एन गामा वन माइनस एन इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। Have you noted down? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. एक ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेशन फॉर्मूला। इसका भी प्रूफ नहीं है आपके, तो इस फॉर्मूले को भी आप लिख लीजिए और आपको लर्न भी करना है। गामा एन प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू अंडर रूट पाई गामा टू एन डिवाइडेड बाई टू रेस टू दावर टू एन माइनस वन। सो दीज टू फॉर्मूलाज यू शुड नो, यू शुड रिमेंबर, यू मस्ट रिमेंबर फॉर इवेल्युएटिंग द क्वेश्चन। इस सेकेंड वाले फॉर्मूले को डुप्लीकेशन फॉर्मूला बोला जाता है। हैव यू नोटेड डाउन? यस सर। यस सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। आप लोग आज की क्लास का अच्छे से रिवाइज करके आइए, ताकि नेक्स्ट क्लास में जो बचे हुए डेरिवेशंस हैं हम वो करेंगे, और उसके बाद में हम क्वेश्चंस पे आएंगे, और उसके लिए इम्पॉर्टेंट है आपका रिवीजन। आप अगर मिड टर्म के चक्कर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं नए टॉपिक्स के, तो डोंट वरी, लेकिन आप रिवीजन करके ज़रूर आइए, क्योंकि रिवीजन करने में हार्डली 5 से 10 मिनट लगते हैं, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ओके ओके सर। ओके, एनीबडी हैज एनी डाउट प्लीज आस्क। Please ask if anybody has any doubt. No, sir. Okay. So, thank you very much, all of you. Have a good day. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Sir, about the attendance today, I am CRP. हाँ, आई एम सी आर पी से हो गया, मैंने आपसे आपको शेयर कर दिया था, और गूगल फॉर्म में खोल आप भी नहीं खोल। नहीं नहीं आप खोल के देखिए, अभी खुल जाएगा वो, आप खोल के देखिए। जी सर, आप खोल के देखिए, आपको देखिए एक बार, आज 15 है ना? जस्ट एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, आपको खुल जाएगा वो। ओके ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।